आत्मीय साथियों नमस्कार। मन के भाव सेगमेंट में एक नया पड़ाव लेकर आए हैं उन ग्रस्त महिलाओं के लिए जिनको हम हाउसवाइफ कहते हैं, गृहिणी कहते हैं, उनके लिए है। एक कविता मैं पढ़ रहा था कहीं पर, तो उस कविता को मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कभी बनाना लिस्ट। हम ऐसे ही कह देते हैं कि आपको घर पे क्या काम है, क्या करती होगी, तो ये कविता उनके जो अंतस है उसमें झांकने का एक प्रयास है। कभी बनाना लिस्ट, क्या क्या बनाया है बीवी। वो कहती है बनाने में घंटों लगते हैं और खाने में पल भर। वो कहती है बनाने में घंटों लगते हैं और खाने में पल भर। कभी कुछ बड़े जतन से बनाती है सुबह से तैयारी करके, कभी कुछ धूप में सुखा के तो कभी कुछ पानी में भिगो के, कभी कुछ धूप में सुखा के तो कभी कुछ पानी में भिगो के, कभी मसालेदार तो कभी गुड़ से मीठी, सारे स्वाद समेट लेती है। आलू के परांठे में या गाजर के हलवे में, ऊपर कटी बारीक धनिए की पत्ती में या पीस कर डाले गए इलायची के दानों में, सारे स्वाद समेट देती है एक छोटी सी थाली में। न जाने कहां कहां से पकड़ के लाती है, न जाने कितना कुछ तो होता है कभी लिस्ट बनाना। बीवी ने जो कुछ भी कभी भी बनाया है तुम बना नहीं पाओगे। बीवी ने जो कुछ भी कभी भी बनाया है तुम बना नहीं पाओगे। हमें भी बस खाना ही दिखता है, ये पुरुषवादी सोच का नजरिया है। हमें भी बस खाना ही दिखता है पर नहीं दिखती। किचन की गर्मी, उसका पसीना, हाथ में गरम तेल के छींटे, कटने के निशान, कमर का दर्द, पैर की सूजन, सफेद होते बाल कभी नहीं दिखते। कभी तो ध्यान से देखो ना, उस छोटी सी रसोई में कोई दिखेगा तो। कभी तो ध्यान से देखो ना, उस छोटी सी रसोई में कोई दिखेगा तुम्हें जो बदल गया है इतने सालों में, जो बदल गया है इतने सालों में। दांत हिल गए होंगे कुछ, बाल झड़ गए होंगे कुछ, दांत हिल गए होंगे कुछ, बाल झड़ गए होंगे कुछ, झुर्रियां आई होंगी कुछ तुम्हारे मकान को घर बनाने, झुर्रियां आई होंगी कुछ तुम्हारे मकान को घर बनाने में। चश्मा लगाए हाथ में अपनी करछी, बेलन लिए चुटी होगी, आज भी वही कर रही है जो कर रही है वो पिछले 25-30 साल, और तुम्हें देखते ही पूछे क्या चाहिए। कभी देखना उसके मन के कुछ अनकहे जज्बात, दबी हुई इच्छाएं। ये पंक्तियां बहुत भावुक। कभी देखना उसके मन के कुछ अनकहे जज्बात, दबी हुई इच्छाएं जो दिखती नहीं, क्योंकि जो दिखती नहीं उन्हें देखना और भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो दिखती नहीं उन्हें देखना और भी ज्यादा जरूरी होता है। जब रसोई से दो बिस्किट या रस हाथ में लेकर निकलता हूं कभी उसकी गैर मौजूदगी में, तब उसकी बात सोचने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि उसने सिर्फ खाना ही नहीं बनाया है इतने सालों, तुम्हें भी बनाया है खुद को मिटा के। और याद है ना, बनाने में घंटों लगते हैं, खत्म एक बार में हो जाता है। पूरा घर बनाया है दिन रात मेहनत करके। कभी लिस्ट बना, और क्या क्या बनाया है अभी, लिस्ट बन नहीं पाएगी, कोशिश करो कभी बन नहीं पाएगी। नमस्कार।